हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई और बहुत ही मज़ेदार कहानी, जिसमें आपको बहुत सारी घंटियों के बारे में पता चलेगा। दोस्तों, इस कहानी में एक छोटा सा बच्चा बहुत सारी अलग अलग तरह की घंटियों से परेशान है। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी घंटियाँ उसे परेशान करती हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की बहुत ही मज़ेदार कहानी, जिसका नाम है टिंग पिंग। जब भी मैं सोने की कोशिश करूं, तभी घंटी बजती है टिंग पिंग। दोस्तों, आपके यहाँ भी ऐसी घंटी बजती है ना, टिंग पिंग? चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। मैं करवट बदलूं तो कोई मोबाइल बजता है पिंग पिंग, एक और नई घंटी की आवाज। इसके बाद क्या होता है, मैं फिर सोने की कोशिश में हूं, अब कोई नई घंटी बजेगी, मंदिर की घंटी बज उठी डिंग डिंग। अब क्या हुआ, ट्रिंग ट्रिंग। अरे ये क्या था, एक साइकिल दौड़ रही थी। अब वो बच्चा बहुत परेशान हो गया था। तभी क्या हुआ, उसकी मम्मी आई। क्या हुआ, माँ मुझे जागता देख बोली, तुम अभी सोए नहीं? पर माँ, मैं माँ को आंखों से ही बताऊं, मुझे नींद कैसे आए? ट्रिंग ट्रिंग, डिंग ट्रिंग, अलग अलग तरह की इतनी सारी घंटियां तो उसके घर में बज रही थी। पूरा घर तो घंटियों की आवाजों से भरा हुआ है। कितना परेशान है ये बच्चा। बच्चों, क्या आपके घर में भी आपके साथ ऐसा होता है, जब आप सोने की कोशिश करें तब आपको भी ऐसी अलग अलग तरह की घंटियां सुनाई देती हैं जो आपको सोने में डिस्टर्ब करें? बताइए, अगर हाँ तो कमेंट करके बताना। आज की कहानी में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।